हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम जिस आर्टिस्ट और जिस स्ट्रीट फोटोग्राफर का काम देखने वाले हैं वो है वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रीट फोटोग्राफर मनु थॉमस। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मनु थॉमस सर का जो काम है वो कमाल का है, माइंड ब्लोइंग है, बट उनको बहुत कम फोटोग्राफर्स जानते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कमाल का काम है और कमाल के आर्टिस्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, राइट नाउ आई एम एट माई कंप्यूटर स्क्रीन और गाइज ये है सर की पहली फोटोग्राफ और इट्स ब्यूटिफुल शॉट, आई जस्ट लव इट। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें कैप्चर करे गए हैं। यहाँ पे हमारे पास काओ हैं, हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्रो हैं, पिजन है और लाइट जो है बहुत ही ब्यूटिफुली लाइट है, और एक जो बोलें कि यहाँ पे शेडो भी है, एक ट्री की शेडो है, और ये विक्स का स्ट्रक्चर, स्काई का कलर, सो इट्स ए ब्यूटिफुल इमेज। और एक पूरा जो गांव का जो फील आता है एक, तो वो पूरा फील जो है इसमें आ रहा है, मतलब सिर्फ ब्यूटिफुल इमेज और बहुत ही प्यारी लाइट है। नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। वाओ, अगेन अगर हम सर की इमेजेस आगे भी देखेंगे तो वैस मैंने एक चीज़ फाइंड करी है कि सर के पास काओ को लेके बहुत सारी इमेजेस हैं जो उन्होंने खींच क्लिक करी हुई हैं, तो मे बी वो उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर इमेज है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको फोकस कराना चाहूँगा जो मुझे बहुत प्यारी लगी है, जो मैंने अभी एकदम से देखी। यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे जो डॉग है ये बिल्कुल इस काओ के नीचे बैठा हुआ है, और इस डॉग का आप देखेंगे जिस तरीके का इसका सिलॉट आ रहा है, और यहाँ पे जो ये शेडो आ रही है काफ़ी मैच कर रही है इन दोनों की जो शेडोज हैं, और एलिमेंट्स जो है काफ़ी क्लीन है इस फ्रेम में, ठीक है। सो एक एनवायरमेंटल जो फील है वो पूरा का पूरा आ रहा है इसमें, और पोस्ट प्रोसेसिंग आई डोंट थिंक सो वो पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ही कमाल का फोटोग्राफ है, बिल्कुल मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग करी गई है। आई डोंट नो, मेरी कभी उनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई पोस्ट प्रोसेसिंग को लेके, हालांकि हमारी एक बार बात हुई है फ़ोन पे, बट मैंने कभी उनसे पोस्ट प्रोसेसिंग को लेके क्वेश्चन नहीं पूछा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। अगेन वाओ, सुपर्ब काओ। मैंने बोला था गाइज कि सर की अगर हम फोटोग्राफ्स देखें तो काओ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो हिंदी अगर लैंग्वेज में बोले तो लंगूर, और वैसे मंकी जो है वो शायद जंप कर रहा है, और बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक डॉग भी है, अभी मैंने एकदम से ध्यान दिया उस पर, अभी मैं जब इस फोटोग्राफ्स को देख रहा हूँ, सो इट्स ए ब्यूटीफुल शॉट, आई प्लीजिंग ब्यूटीफुल। अगेन डॉग प्लस काओ और ब्यूटीफुल लाइट, और यहाँ पे सर की भी शेडो आ रही है यहाँ पे, और अगेन अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, एक जो कमाल की लाइट एलिमेंट्स, फ्रेम, ब्यूटीफुल लाइट। सबसे मुझे अच्छा लगता है कि सर की में जो हाईलाइट और जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत बैलेंसिंग होता है, मतलब कुछ कुछ इमेजेस में क्या होता है बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं हम, बट एक जो बिल्कुल जो नेचुरल दिखता है ना वो एकदम दिखता है सर की इमेजेस में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। वाओ, तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो अगेन ब्यूटीफुल लाइट जो कि हमेशा होती है, अगर हम ये देखें यहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छी लाइट है, तो सर को लाइट्स बहुत ज़्यादा उनको पसंद है, उनको अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए उनके फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो लंगूर बैठे हुए हैं और पीछे पूरा सिटी दिख रहा है और कमाल का व्यू आ रहा है, और इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज, और वाओ टू गुड। अगर टू बी ऑनेस्ट, वैसे हम कुछ इसमें कर नहीं सकते, अगर यहाँ पे ये जो हमने ही, मतलब मेरे को भी ये प्रॉब्लम बहुत लगती है कि जो वायर्स वगैरह हैं वो मुझे बहुत ख़राब लगते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, बट इट्स ए ब्यूटीफुल इमेज, आई जस्ट लव द शॉट, इट्स ए ब्यूटीफुल इमेज। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। ये लग रहा है गाइज मुझे उसी जगह उसी लोकेशन का फोटोग्राफ है, बट बहुत ही अगर यहाँ पे हम इन लेडी की जो इनके क्लोथ देखें, उसका कलर जो देखें वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ब्यूटीफुल है,
और किस तरीके से पूरा लाइट, इतने सारे लंगूर हैं इस जगह, और अगेन अ ब्यूटीफुल शॉट। लाइट तो उनकी फ्रेम्स में होती ही ब्यूटीफुल है, मतलब एक एक एलिमेंट को ऐसा बहुत प्यारे से एकदम जोड़ा गया है, कमाल का। और यहाँ से जो वायर जा रहा है वो भी बिल्कुल इनके जो इनका जो इन्होंने जो घूंघट टाइप का कर रखा है उसके बिल्कुल साड़ी के ऐसे सिंक में जा रहा है, एकदम परफेक्ट एक डायगनली। और ये इतने सारे लंग, हाँ वाह, मतलब एक मेस्मेराइजिंग वाला फील आता है मुझे इनकी फोटोग्राफ्स को देख के, इट्स ब्यूटीफुल। और वैसे मुझे सबसे खराब ये लगता है कि यार इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत कम लोग हैं जो इन्हें जानते हैं। सो गाइस मैं आपको स्ट्रांगली स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि मनु थॉमस, आप, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उनके इंस्टाग्राम का लिंक, और आप जाके इंस्टाग्राम पे भी उन्हें सर्च कर सकते हैं, मनु थॉमस, वो आ जाएंगे। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलता हूँ, उन्हें वहां जाके फॉलो कीजिए। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। अमेजिंग, दिस इज समथिंग यू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कमाल का वेदर, सब्जेक्ट्स एकदम ऐसा नहीं हो लग रहा कि ऐसे किसी ने पेंट किया है, मतलब एलिमेंट्स पेंट किए हैं। और जो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट है, जो इन्होंने रेड कलर का वो पहना, वाओ ब्यूटीफुल इमेज, मतलब कमाल का शॉट है ये, मतलब इसका प्रिंट मिल जाए तो मजा आ जाए, कमाल का शॉट है, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज, वाह। ट्री का स्ट्रक्चर, पीछे क्लाउड्स, ब्यूटीफुल शॉट। नेक्स्ट शॉट की तरफ चलते हैं। वाओ अगेन, मतलब ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये फोटोग्राफ केरला में क्लिक किया है, और यहाँ पे जिस तरीके से पूरा एक सर हमेशा वाइडर शॉट्स लेते हैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उनके शॉट जो है क्लोजअप बहुत कम होते हैं, उनके वाइडर शॉट्स ज्यादा होते हैं, मतलब एक वाइड एंगल पे वो हमेशा एक वाइड फ्रेम रखते हैं, एंगल तो नहीं बोलूंगा, एक वाइड फ्रेम रखते हैं अपना, मैं जूम कम ही करते हैं सर। सो अगेन अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, वाइट कलर, वेदर, क्रॉस, अगेन इतने सारे क्रॉसेस, अगेन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर हम यहाँ पे क्रॉस देखें तो कितने सारे, एक तो इसी बीच में ये ऐसा लग रहा है कि दो, मतलब इस पिलर ने दो वर्ल्ड, मतलब दो डिफरेंट जगह को प्रेजेंट कर रहा है, इट्स लाइक समथिंग विच इज स्प्लिट, जैसे जो स्क्रीन करते हैं लोग अपनी दो इमेजेस को मिला के, ये एक ही इमेज में दो जगह का फील जो है हमें दे रहा है, ब्यूटीफुल इमेज, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। वाओ वैसे यहाँ पे फ्लैश यूज हुआ है, और बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही ब्यूटीफुल यूज किया गया है जो फ्लैश है, और इसका बैठने का पोजीशन देखिए पीछे, मतलब सर के सारे फ्रेम एकदम सीनरी और उस तरीके के फील देते हैं, और वो कमाल का काम, अगेन अ ब्यूटीफुल शॉट। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, इमोशंस, ब्यूटीफुल शॉट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी यहाँ पे भी फ्लैश यूज हुआ है। और यहाँ पे जो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं हॉर्स के ऊपर, इनकी एक्सप्रेशन बहुत प्यारे, एक्सप्रेशन, हाथों का जिस तरीके का पोजीशन है यहाँ पे, एक हैंड का पोजीशन, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, मतलब बहुत ही अच्छी तरह प्ले किया गया है, सारी कंपोजिशन एकदम बैलेंसिंग बताई गई है, अगेन अ ब्यूटीफुल शॉट। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। वाओ सुपर सुपर, इतने सारे एलिमेंट, इतने इमोशन एक ही फ्रेम में करना, टू बी ऑनेस्ट गाइस ये इतना इजी नहीं है, मतलब एक फ्रेम में इस तरीके से अपने एलिमेंट फ्रेम करना, यहाँ पे क्रॉस पे, इधर ये जो ह्यूमन एलिमेंट है जिस तरीके से लेटा हुआ है, मतलब देयर लॉट ऑफ स्टोरीज, सस्पेंस, ऊपर उधर देखिए इनका हाथ ये वाला उठ रहा है और उधर उधर, ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये हंस रहे हैं, ये क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब कमाल की स्टोरी क्रिएट हो रही है एक ही फ्रेम में, कि समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और एक कमाल का शॉट है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉट। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। वाओ द लॉट ऑफ स्टोरीज यू नो इन वन फ्रेम, यहाँ पे ये छाता लेके अपने बच्चे को और अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं, ये कहाँ से आ गया, कुछ नहीं, मतलब आई जस्ट लव लव इट, लव दिस फ्रेम। सो एक जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है ना वो बड़ा कमाल का है इस फ्रेम में। सो नेक्स्ट फ्रेम की तरफ चलते हैं हम। सो गाइस अगर हम इस शॉट को देखते हैं, इट्स ब्यूटीफुल 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 शॉट, मुझे बहुत बहुत प्यारा शॉट लगा ये, मतलब कमाल का शॉट है ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो
ब्लैक कलर का डॉग है, यहाँ पे ब्लैक कलर की ब्लैक कपड़े जो क्लोथ पहन के चार हम जो लेडीज हैं वो हैं, और यहाँ पे भी ब्लैक और ब्लू का जो मैच है इस पूरे, अगर हम होल फ्रेम को देखें तो ब्लैक और ब्लू से बना हुआ है पूरा का पूरा फ्रेम। स्काई ब्लू है, इनके शर्ट का कलर ब्लू है, डॉग ब्लैक है, इनकी पैंट का कलर ब्लैक है। यहाँ पे ब्लैक हमारी चार सब्जेक्ट है जिन्होंने कपड़े पहने हुआ है, और जो पोजीशन है इस डॉग की वो भी बड़ी कमाल की है। और यहाँ पे ये जो चारों देख रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, क्या करने हैं, मतलब इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉट। और पता चल रहा है शॉट जो मुंबई का है, जो पीछे पता नहीं है शायद मे बी मरीन ड्राइव बोलते हैं, कौन सी जगह बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, बट ये शॉट मुंबई का है और इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। सो गाइज ये थे कुछ फोटोग्राफ्स जो मुझे लगा कि आपको दिखानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।